भारतीय संस्कृति में जेठ पूर्णिमा का काफी महत्व है। इस दिन गंगा स्नान का भी महत्व है। गंगा में स्नान के बाद पूजा अर्चना तथा दान दक्षिणा आदि से व्यक्ति के मनोरथ पूर्ण होते हैं और अभीष्ट मनोकामना की प्राप्ति होती है। आज से ही लोग गंगा जल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए निकलते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का तीसरा मास जेठ है। इस महीने में सूर्य देव अपने रौद्र रूप में होते हैं, अर्थात इस महीने में गर्मी अपनी चरम पर होती है। वैसे तो फाल्गुन माह की विदाई के साथ ही गर्मी शुरू हो जाती है। चैत और बैसाख में अपने रंग बिखेरती और जेठ में गर्म चरम पर आ जाती है। गर्मी अधिक होने के कारण अन्य महीनों की अपेक्षा इस माह में जल का वाष्पीकरण अधिक होता है और कई नदी तालाब आदि सूख जाते हैं, तथा इस माह में जल का महत्व दूसरे महीनों की तुलना में और बढ़ जाता है। जेठ माह हनुमान जी का प्रिय मास है और जेठ पूर्णिमा हनुमान जी को प्रसन्न करने और मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष है। इस दिन की गई हनुमान जी की पूजा और साधना दीर्घकालिक फल और लाभ देंगे। आज दिन के हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा, हनुमानाष्टक या बजरंग बाण के 11, 21, 51 या 108 पाठ करें। हनुमान जी को ध्वजा यानी झंडा भी अति प्रिय है, तो एक केसरिया या लाल वस्त्र में श्री राम लिखकर संभव हो तो कम से कम 9 गांठ वाले बांस में उन्हें ध्वजा चढ़ाएं। हनुमान जी को खीर भी अति प्रिय है, तो मंदिर में मेवे युक्त खीर बनाकर भोग लगाएं और छोटे बच्चों में बांट दें। अनिष्टों से रक्षा तथा भय से मुक्ति के लिए निम्नलिखित मंत्र का जप करना चाहिए। आसन बांधू वासन बांधू, बांधू अपनी काया, चारी खूंट धरती के बांधू हनुमत तोड़ दोहाई। आसन बांधू वासन बांधू, बांधू अपनी काया, चारी खूंट धरती के बांधू हनुमत तोड़ दोहाई। साधारण शब्दों का यह छोटा सा मंत्र अद्भुत प्रभाव वाला दिव्य मंत्र है। इससे जप से गंभीर अनिष्टों में रक्षा होती है। ये मंत्र मात्र 10,000 जप से सिद्ध हो जाता है। जेठ पूर्णिमा के दिन से ही किसान अपने खेतों में हल जोतना शुरू करते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन जब राजा जनक हल चला रहे थे तो उन्हें भूमि के भीतर से सीता की प्राप्ति हुई थी। वैसे तो हर पूर्णिमा महत्वपूर्ण होती है, यही इसकी वजह यह है कि इसमें कुछ खास तरह का सौंदर्य होता है। आप किसी भी चीज पर नजर डालें और अगर वह खूबसूरत हुई तो आप पाएंगे कि उसके भीतर उसके प्रति आकर्षण अचानक बढ़ जाता है। इसी तरह अगर आप किसी ऐसी चीज पर नजर डालते हैं जो आपकी निगाहों में बद्दी या बदसूरत होती है तो उसके प्रति आपका आकर्षण कम हो जाता है। पूर्णिमा के सौंदर्य में भी कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जो चीजों के प्रति हमारी ग्रहता में निश्चित तौर पर सुधार लाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि धरती चंद्रमा के साथ कुछ खास तरह की स्थिति में घूमती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की स्थिति, अनुभव और उसका स्पंदन और दिनों की तुलना में अलग तरह का होता है। यहाँ तक कि इस दिन चंद्रमा का चुंबकीय आकर्षण भी अलग तरह का होता है। चंद्रमा का चुंबकीय आकर्षण धरती की उस सतह पर काम करता है जो हिस्सा चंद्रमा के सीधे सीधे संपर्क में होता है। हमारे शरीर का मेरुदंड खड़ा या लंबवत होता है। ऐसे में जब भी इस तरह का कोई नैसर्गिक आकर्षण या खिंचाव होता है तो मेरुदंड में नैसर्गिक रूप से ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। इस दौरान आपके भीतर जो रक्त और प्राण रूपी मूलभूत ऊर्जाएं हैं वे अलग दिशा में प्रवाहित होने लगती हैं, क्योंकि कंपन में बदलाव आता है। इसलिए पूर्णिमा की रात को बाकी रातों के मुकाबले समुद्र में तेजी से लहरें उठती हैं,
क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पानी को अपनी ओर यानी ऊपर की ओर खींचता है। इसी तरह से आपके शरीर के रक्त को भी वही गुरुत्वाकर्षण ऊपर की ओर खींचता है। नतीजा यह होता है कि उस दौरान रक्त का प्रवाह दिमाग की ओर बढ़ जाता है। जब भी यह ऊर्ध्वगामी गति होती है तो आपके भीतर की जो भी खूबी या विशिष्टता होती है वह बढ़ जाती है। आपने सुना होगा कि जिन इंसानों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता वे पूर्णिमा के आसपास और भी असंतुलित हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि इस दौरान होने वाला ऊर्जा का अभाव आपकी खूबियों और लक्षणों को भी बढ़ाता है। अगर आप थोड़े बहुत असंतुलित होते हैं तो इस दौरान आप ज्यादा असंतुलित हो जाते हैं। यह बात आपके अन्य लक्षणों पर भी लागू होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इतने संवेदनशील नहीं होते कि वे इसे महसूस कर सकें। अगर इस समय आप ध्यान लगाएं तो आपको ध्यान में और अधिक सफलता मिलेगी। इसी तरह से अगर आप प्रेम में हैं तो आपका प्रेम और भी सुगंध बन जाता है। अगर आप डरपोक या भीरू हैं तो आपके भीतर डर और गहरा समा जाता है। आपका कोई भी लक्षण हो उसे इस दौरान बढ़ावा मिलता है। जो लोग अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, जो ध्यान में लगे हुए हैं, उनके लिए पूर्णिमा का विशेष महत्व है। खासकर साधकों के लिए तो यह रात ज्यादा सहायक होती है, क्योंकि ऊर्जा के ऊर्ध्वगामी हुए बिना और ऊर्जा के उभार का एहसास हुए बिना आपके जागरूक और चैतन्य होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जिसे आप जागरूकता कहते हैं वह आप तक नैसर्गिक रूप से तभी आएगी जब अपने भीतर ऊर्जा का उधार अनुभव करेंगे। हमें उस रात का उस नैसर्गिक घटना का सदुपयोग करना चाहिए। यह रात आपके लिए कुछ ऐसी होती है कि आप ऊर्जा और जागृति का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं।